किसी भी प्रकार का कोई ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको कहीं से डाउट लग रहा है कि आपको इसमें और उसमें डिफरेंस हो? कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी आपका कल लाइव चालू फोन से सीपी निकाल के लगाने वाले हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत, इतना कॉन्फिडेंस हम सुनते हैं सिर्फ अपनी इज्जत की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। मेरा नाम विराट चौधरी, मैं बिहार से आया हूँ और मैं आज लाइव ऑन सेट से पावर ऐसी निकाल करके दोबारा लगा करके और सेट ऑन करके दिखाऊंगा। मैं कौन से दिन की क्लास है? आज मेरी तीसरी दिन की क्लास। इसके पहले ये काम करते थे आप? नहीं सर, आपने मैंने कभी नहीं किया ऐसा काम। कभी नहीं किया? नहीं सर। ऑनेस्टी से बोल रहे हैं, इन्होंने कभी नहीं किया? नहीं सर जी। बिहार वाला बंदा झूठ बोलता है क्या? नहीं सर, जो बोलता है दिल से बोलता है ना? यस सर, दिल से बोलता है। तो ये बताओ आपको कौन सा दिन है आज एशिया डेली का? तीसरा दिन सर। तीसरा दिन? यस सर। तीसरे दिन में पावर निकाल के लगा सकते हो? यस सर। Tonight, we are heroes tonight.
excitement. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will. किसी भी प्रकार का कोई ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको कहीं से डाउट लग रहा है कि आपको इसमें और उसमें डिफरेंस हो? कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी आपका कल लाइव चालू फोन से सीपी निकाल के लगाने वाले हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल की अगर मैं बात करूं तो कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत, इतना कॉन्फिडेंस यहाँ से कहना नहीं है, उनके लिए कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। तो क्या बोलना चाहेंगे आज की क्लास के लिए? फैबुलियस। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो देव सर के साथ में क्लास हुई है कंपोनेंट्स की, देखिए आज आपकी आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास है। आज आप ये समझेंगे कि कौन से फ़ोन में कौन सी सीपीयू लगती है, कौन सा आरएफ, कौन सा सेकंड पावर, कौन सा फर्स्ट पावर। लेकिन इसके पहले आपका दो कंपोनेंट का जो क्लास हुआ है, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अभी जो आपने पावर आईसी उठाया उसके अगल बगल में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं उसका नॉलेज हो गया कि नहीं? जी सर। और सीरीज में लगा है, पैरेलल में लगा, इसका वैल्यू पता है कि क्या वो सीरीज में है, क्यों पैरेलल में है, पता है सर किसका क्या काम है? तो ओवरऑल मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बोलना चाहेंगे आप देव सर के लिए? देव सर के लिए ऑसम है सर, वो कोई भी चीज़ बताते तो ऐसा बताते हैं कि ना का तो सवाल ही नहीं है, ना का कोई सवाल नहीं है। और नहीं आना है वो। और क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए जो आपको देख के एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हो और तीसरे दिन में पावर और चौथे दिन में सीपीयू निकाल के लगाना चाहते हो? इतना ही कहना चाहूंगा उसके लिए कि अगर उनको लग रहा है कि कुछ कहीं पे हासिल करना है तो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करें, क्योंकि इससे बेटर मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि तीन दिन का, ज्यादा नहीं बोला, तीन ही दिन मैंने, तीसरे दिन की अभी सुबह की क्लास, तीन दिन की सुबह की क्लास है। मैं इतना जान रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे तीसरे दिन में इतने सीखने मिले हैं, तो सोच सकते हैं। पैसा वसूल की हर बात हम बात करते हैं, हर बार बात करते हैं पैसा वसूल का, तो पैसा वसूल हो रहा है? पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, आप पैसे जो दोगे ना उसका यहाँ पे कोई अहमियत नहीं है, बट टेक्नोलॉजी और यहाँ पे ट्रिक इतने अच्छे हैं कि आपको ना भी आएगा तो भी आपको समझ में आना ही आना, आना है। हमारे साथ है 28 अक्टूबर की बेट, कौन कौन लाइव है? कौन कौन लाइव है? आवाज नहीं आई? सब लाइव है। तो भाई टाइम क्या हो रहा है? साढ़े दस। यस सर। वाकई में 10:30 बज रहे हैं? यस सर। 25 मिनट सर। दिन के बज रहे कि रात के? रात के। रात के बज रहे हैं? यस सर। एशिया टेलीकॉम बोलता है 12 घंटे की क्लास, 14 घंटे हो गए सर। कितने घंटे की? 14.5 घंटे। कुछ मेरे बिरयानी खिलाई क्या खाने में? बिरयानी खिलाई क्या? नहीं सर। बिरयानी खिलाई क्या खाने में? नहीं खाया ना? नहीं सर। दाल चावल रोटी सब्जी खाया ना? यस सर। है ना? जी सर। तो भाई तुम जो बात है वो हकीकत बताओ। जी सर। सर हकीकत है, जेन्युइन बात है सर। अपना नाम बता दो। अरविंद सिंह सर। कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल पुरुलिया। अपना नाम बता दो। नंद किशोर यादव सर, छत्तीसगढ़। नंद किशोर यादव, थोड़ा अपना नाम बता दो। चंदन सोनी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से हो? लखनऊ यूपी। जी सर। इधर अपना नाम? अर्शदीप जम्मू से। अर्शदीप जम्मू से, अपना नाम बता दो। सर मेरा नाम राहुल है, जिला गाजियाबाद। गाजियाबाद से, यूपी। इधर संजीत सिंह, उमरिया एमपी से। उमरिया एमपी से। इधर अपना भी बता दो। हेमंत रथ, उड़ीसा से। उड़ीसा से। इधर चाहत चौधरी, छत्तीसगढ़ से। तो आप सही बोल रहे हो ना भाई, इसलिए नाम पूछ रहा हूँ मैं। सही बोल रहे हो ना? यस सर। ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ के लोकल के स्टूडेंट हो? नहीं है ना ऐसा? सबके पास आधार कार्ड है ना? यस सर। तो ये बताइए मेरे को कि आज मॉर्निंग में क्लास कब से स्टार्ट हुई आपकी? 8 बजे से क्लास हुई। यस सर। क्या किसी इंस्टीट्यूट का इतना स्टेमिना है कि 8 बजे से रात के 10:30 बजे तक आपको क्लास दे दे? नहीं सर। बिल्कुल नहीं। 10 मिनट के लिए भी लगा कि आप फ्री बैठे हो? नहीं सर। ईमानदारी से बताओ खाने का ब्रेक कितनी देर का होता है?
उसके बाद ब्रेक के लिए तुम हमसे क्या मांगते हो? तो एशिया टेलीकॉम की टीम के लिए और देवरतन अग्रवाल सर के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? फीस के लिए तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, फीस के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो मिल रहा है दिल से मिल रहा है ना, दिल से मिल रहा है ना, पूरा टीचर मेहनत दिल से कर रहा है ना, ऐसा टरकाने वाला काम या फिर टालने वाला काम तो नहीं हो रहा है ना? नहीं सर। देव सर ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं सर। इंडिया के बहुत बड़े टीचर है, वो आए तो वो तो आराम से आएंगे, दो घंटे की क्लास दे घर जा सकते हैं, जा सकते नहीं जा सकते, वो हमको डाल सकते हैं कि भैया तुम समझा दो। देव सर उनके मास्टर ऑफ मोबाइल है, मास्टर ऑफ मोबाइल, उनके पास एक एक मिनट का सर वैल्यू है, वो टाइम पे पंक्चुअस एकदम, टाइम पे आते अपना टाइम पे एकदम, एक मिनट भी इधर फालतू बात कुछ नहीं, एकदम ऑन ज्ञान की बात, नॉलेज की बात होती है। तो जो आज आपकी जो मॉर्निंग में क्लास थी, तो क्या क्लास थी आपकी? सीपीयू की पहचान, सीपीयू के बच्चे, कौन सी क्लास थी आपकी? पावर आईसी लाइव बोर्ड में, लाइव 4G मोबाइल से पावर आईसी निकाल के लगाई आपने? चालू मोबाइल से निकाल के लगाई? ये मोबाइल तुम्हारे थे कि हमारे थे? आपके मोबाइल थे। तो किस किस ने लगाई? सबने लगाई, सबने लगाई, ऐसा कोई बचा है क्या? नहीं सर। तुक्के में लगी क्या? नहीं सर। मतलब एक बार लग गई गलती से, सर ने बैठ के, सर ने बैठ के लगा दी? नहीं सर, 5-6 वर्ष की, बिठाया टेबल पे, चल हाथ पकड़ ये लगा दी, चल हो गया यहाँ पे नाम डाल और तू घर जा, ये वाला काम हुआ। अच्छा ये बताओ मेरे को कि आपने पहली बार लगाई थी, लगाते आ रहे हो आप? फर्स्ट टाइम लगाया? यस सर। अच्छा मेरा टाइम आपको दिया था 9 बजे से? जी सर। 9 बजे से कितनी देर में लगा दी आपने? सारे स्टूडेंट तो इसे क्या गुट्टी पिला दी, कोई जादू की छड़ी है क्या? जादू की छड़ी है क्या? टेक्निक सर, ट्रिक और लगाई दी है, और फिर उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी लाए हैं अंदर की, हम दोबारा भी लगा सकते हैं, दोबारा भी लगा सकते हैं। लगाई भी है ना आपने? जी सर। लगाई भी है आपने? जी सर। आपने भी लगाई है? सर। आपने भी लगाई है? सर। सबने लगाई ना? जी सर। और तो ये तो आपकी लाइव पावर 4G मोबाइल की आईसी की क्लास हो गई, जो आपने सक्सेसफुली तरीके से निकाल के और वापस लगाया और आपका काम डन हुआ। उसके बाद क्लास थी आपकी देव सर के साथ। किनके साथ थी? देव सर के साथ। 12 बजे से 6 बजे तक की क्लास थी। तो थोड़ा सा कंटेंट बताओ आज पढ़ाया क्या सर? सीबोर्ड से के बारे में बताया, सारी आईसीयू की। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मीडिया टेक का बोर्ड है, काय का है? मीडिया टेक का बोर्ड है भाई, तू सीपीयू देख ले और मेरे को बता दे बाकी आईसी कौन सी, कौन कौन बता सकता है? सब बता सकते हैं। कौन सी आईसी लगी है ये बता सकते हो आप? yes, बाकी आईसी 70% या 80% आप बता सकते हो कि कौन सी लगी है? yes, अगर कोलकाम का बोर्ड आया तो, जाइनोक्स का, सैमसंग का बोर्ड आया तो, तो आप यहाँ पर सीपीयू वाइज पढ़ने आए हैं या मॉडल वाइज? सीपीयू वाइज। सीपीयू वाइज मॉडल हिसाब से 5500 मॉडल पढ़ लिए सर, 5500 मॉडल आज पढ़ लिए। आज हमारे देव सर ने जो जिन शब्दों को कहा कि बोर्ड के देखने का नजरिया बदल देंगे, वास्तव में सर आज बोर्ड को देखने का नजरिया आंख ने खोल के दिखा दिया कि बोर्ड को। 27 तारीख को देव सर ने आपको बोला था कि मैं आपका चौथे दिन बोर्ड देखने का नजरिया बदल दूंगा। जी सर। जी बदला कि नहीं बदला? बदला करके बताया। आज मुझे एक चीज अनुभव हुआ सर, वाकई में आप जैसे गुरु के पास जाएंगे आपको वैसा टैलेंट देते हैं, अगर दर्जी के पास जाएंगे तो आपको दर्जी बनाने के लिए सिखा देंगे, अगर साइंटिस्ट के पास जाएंगे तो साइंटिस्ट के तरह आपको बना देंगे, क्योंकि गुरु होते ही ऐसे हैं, हम जिसके पास आए हुए हैं महा साइंटिस्ट है सर जी। वेरी गुड जी सर। और जो मैं आपसे लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि लास्ट में इस क्लास में बैठ के सबसे यूनिक काम क्या किया? तो पावर आईसी की पेडलाइन किस किस ने बनाई है? सबने बनाई है। सबने बनाई है, सबने बनाई और सबने पढ़ने के लिए भी सीखी है पेडलाइन को। ये जैसा आप देख सकते हैं, खाली अकेले ने बनाई है क्या? निकालो ना यार अपनी कॉपी, निकालो बताओ अपनी, निकालो कॉपी बताओ। आजा भाई जल्दी सर अपने कॉपी, ये देख सकते हैं आप,
ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर ये आप देख सकते हैं। कॉपी बताओ यार अपनी। ये सर इधर है। तो अगर स्कीमेटिक डायग्राम में लिखा है कि 55 नंबर पे ये आईसी का ट्रैक है तो आप ट्रेस कर सकते हैं। जी सर, आप फोन के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मैं बोलूं कि आपको रिसीवर को ट्रेस करना है तो आज ट्रेसिंग किस किस को आई? सर एंडलेस सर, मतलब टेस्ट पॉइंट से लेके, मतलब हमारे पेट से लेके आईसी के अंदर तक घुस के बनाई आपने? यस सर। आईसी उठा के बनाई? यस सर। आईसी की बोले पड़ी आपने? यस सर। पूरा एंडलेस सॉल्यूशन है कि नहीं आपके? यस सर। तो ऐसे एंडलेस सॉल्यूशन हर सेक्शंस का मिलेगा आपको, जैसा आज आपने किया है ना, और ऐसे कैसी एंडलेस सॉल्यूशन आपको हर सेक्शन में मिलेगा। तो फिर मैं थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहूंगा, शुरुआत करूंगा। बताइए विराट आज क्लास कैसा रहा आपका? बहुत ही शानदार सर, मतलब कि लगा, अपने को लगा ही नहीं कि अभी ऐसा कर पाएंगे, लेकिन आज जो लाइव सीपीयू, मतलब ऑन लाइव बोर्ड से अपने सीपीयू निकाल करके फिर पावर ऐसे निकाल करके उसको रिवॉल्व करके फिर दोबारा से लगाया, और जब ऑन हुआ तो मेरे को लगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ ट्रिक देने के लिए हमारे सर हैं। कितनी बार लगाया? 5 बार लगाया हूँ। 5 बार लगाया? यस सर। मोबाइल भी चेंज करके लगाया तुमने? जी सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम अमित छत्तीसगढ़ से हूँ जी। आज सर सुबह, अमित तुम किस फील्ड से बिलोंग करते थे? मोबाइल इंडस्ट्री से थे, दूसरी फील्ड से थे, या मोबाइल रिपेयरिंग में? आप रिपेयरिंग का काम करते थे कि नहीं करते थे? करता था सर मैं। रिपेयरिंग का काम करते थे, क्या लेवल से करते थे जो आज आपने किया? सर जो लेवल में 3 दिन में किया सर, मैं 10 साल में नहीं किया था वैसा। तो 10 साल से इस फील्ड में? यस सर। आप आईसी लेवल पे काम करते थे क्या? नहीं सर। तो आपने फिर आज आज आपने 1 घंटे में पावर आईसी निकाल के लगा के और चालू करके आपने? 2 घंटे में मैंने 4 और सीने, वो 2 अलग-अलग मोबाइल की दोनों चालू सेट से निकाली। चालू सेट से निकाल के? चालू सेट से। कॉन्फिडेंस का लेवल क्या? एक बार परफेक्ट हुआ है। अगर आपके पास अगर कितने भी बोर्ड रख दूं मैं और बोलूं कि इसकी पावर, आज देखो तुम्हारी पावर की क्लास थी, कल काय की क्लास है आपकी? 4G सीपीयू की। सीपीयू कल सीपीयू करोगे तो आज अगर मैं रात को अगर 10 बोर्ड दे दूं आपको कि भैया ये इसकी 10 पावर बदल दे, तो बदल सकते कि नहीं बदल सकते? 15 से 20 मिनट में पावर बदल दूं। पावर ऐसी बदल दोगे? यस सर। रिवॉल्विंग का नॉलेज कैसा है आपको? सर वो तो अलग ही टाइप का लेवल था, तो अलग ही कभी देखा था ना सुना था। ऐसा ट्रिक था कि मतलब आपको मतलब 100 को भी मतलब ऐसा बता दिया कि मतलब 2 मिनट लगे उस ट्रिक को सीखने में। बराबर है। तो कुल मिला के और फिर आपकी दोपहर में देव सर के साथ क्लास थी, उन्होंने तो ऐसा नॉलेज दे दिया कि पूरा नजरिया बदल दिया मोबाइल को देखने के अंदर। पूरा बोर्ड की पीसी भी मॉडल वाइज देखते थे। अच्छा, तो 4 CPU के वाइज मतलब ऐसा होगा कि 4 CPU देख के हम पूरे 5500 मॉडल का नाम बता देंगे। बराबर है, नॉलेज मिला है आपको बहुत। अब सर, ये कॉपीकैट कंटेंट है, यूट्यूब का कंटेंट है कि क्या है ये? वही सर, वही सर बता रहा हूँ, ये जो नॉलेज मिला है हाँ। ना कहीं यूट्यूब में मिलेगा, ना कहीं गूगल दे सकता है, अदर इंस्टीट्यूट में मिल सकता है तो दे ही नहीं सकता, कभी इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। ये उनका मेहनत से बनाया हुआ अपना ग्राफिक्स। अच्छा अच्छा, जब आते हैं तो कोई सर जब यहाँ पे क्लास में आते हैं तो उनके पास कोई थ्योरी लिखी हुई होती है, किताब देख के पढ़ाते हैं या लैपटॉप देख के पढ़ाते हैं? बताइए मेरे को, कोई कॉपीकैट कंटेंट होता है क्या उनके पास? 6 घंटे पूरे पढ़ाते हैं बिना कॉपी बिना कुछ देखे, खाली अपने मतलब दिमाग से पूरा हमको पूरा नॉलेज देते हैं। एक एक मतलब कोडिंग भी, एक एक आईसी की कोडिंग भी क्या होती है उसको सब अपने दिमाग से देते हैं, ना कहीं कॉपी देखते हैं ना बुक देखते हैं ना कुछ देखते। अच्छा, जब सर पढ़ाते हैं 6 घंटे की क्लास होती है, बड़ी बात पूछ रहा हूँ आपसे मैं, है ना? आप सबसे बड़ी बात पूछ रहा हूँ, जब आपकी देव सर के साथ 6 घंटे की क्लास होती है तो किसी का भी ध्यान उनके ऊपर से दूसरी जगह होता है क्या? बिल्कुल। अगर गया तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्लास से बाहर। तो ये डिसिप्लिन आपको ईमानदारी से बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपको पुराने बचपन के स्कूल के दिन याद आया? जी सर। वहाँ भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं था ना? नहीं सर। वहाँ भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं था ना? नहीं सर। राइट, है ना सर? डिसिप्लिन नहीं होगा तो सर फिर हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। राइट राइट। तो मैं आता हूँ अगले स्टूडेंट के पास। जी जी सर, मेरा नाम राजन मौर्य, मैं लखनऊ यूपी से आया हूँ जी। आज जो मेरा क्लास था, क्लास का 3rd दिन था सर जी। हमने जो है जियो फोन के ऑन फोन में से पावर आईसी निकाल के लगाई है, जो हमने 3-4 साल में कभी नहीं किया था, वो हमने आधे घंटे के अंदर कम्प्लीटली लगा लिया। तो राजू ये जियो फोन की बात है, अगर मैं कोई जियो फोन, एक 4G फोन होता है ना? जी सर, 4G फोन होता है। अगर मैं आपको कोई सा भी, आपने दूसरे स्टूडेंट ने जिन जिन के पास मोबाइल थे उन्होंने करे कि नहीं करे? किए सबने किए। अगर आपके पास मैं बोलूँ कि
महंगा से महंगा मोबाइल रख दूँ और बोलूँ कि इसकी राजू पावर आईसी चेंज करो, तो आप कर सकते कि नहीं कर सकते? कर दूंगा सर आधे घंटे में। आधे घंटे में हो जाएगी जी, कम्प्लीटली कर दूंगा रिवॉल्व करके सर। रिवॉल्व करके ऑफिस से लगा दोगे? चलिए, तो उसके बाद आपकी थी देव सर के साथ क्लास? तो देव सर के साथ मेरी क्लास थी 12 बजे से 6 बजे तक सर। उसमें जो है हमने जितनी भी आईसियाँ होती हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन, अच्छा बोर्ड में क्या क्या लगे होते हैं, कितनी आईसियाँ लगी होती हैं, किस किस नाम से होती है, क्या क्या काम होता है, तो ऐसा यूनिक नॉलेज आपको कहीं मिल सकता है क्या, बताइए मेरे को? इस टाइप का यूनिक नॉलेज आपको कहीं नहीं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम राहुल है, मैं गाजियाबाद से हूँ, यूपी से जी। सर आज की जो हमारी सुबह से जो मॉर्निंग से क्लास थी वो थी हमारी आईसी पावर चालू सेट में से, चालू 4G सेट में से आईसी निकाल कर दोबारा से उसमें लगानी थी। हाँ। और सर सबका सेट वो डन हो गया सर। सबका सेट डन हो गया? सबका सेट डन हुआ सर। उसके बाद सर हमारी आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास थी, आईसीओ की नॉलेज लेनी, जितनी भी फ़ोन के अंदर मदरबोर्ड के अंदर जितनी भी आईसीयां होती हैं सबकी नॉलेज लेनी थी, वो सर सबकी नॉलेज मिली है आज। जी सर। तो अभी अगर आपको मैं बोलूँ कि एक पावर कार्ड तुम डायग्राम बना दो तो बना सकते हो? बिल्कुल सर। सर आईसी के नीचे की जो पैड लाइन होती है ना सर, वहाँ तक की नॉलेज मिली आज सर। बराबर है जी सर। आज आप एक सेक्शन को भी कंप्लीट कर रहा है आपने? रिसीवर सेक्शन, सेक्शन वाइज जो सेक्शन, जिस सपोज करो कि जैसे रिसीवर है, रिसीवर से जो उसका ट्रैक जा रहा है ना आईसी पे, वो भी सब ट्रैक करना सीखा है। अगर ये बोल दूं कि अगर आपकी पेड लाइन खराब हो जाए तो भी आप रिसीवर चालू कर सकते हो? जी सर बिल्कुल कर सकते। बिल्कुल कर सकते जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी सर, मेरा नाम सलीम है, मैं मुजफ्फरनगर से हूं। सलीम, तीसरा दिन एशिया टेलीकॉम में, कैसा फील कर रहे हो? मस्त एकदम सर। क्या बोलना चाहोगे बताइए आप मेरे को? एशिया टेलीकॉम के लिए तो जितना धन्यवाद बोलेंगे सर वो कम है। बराबर है जी सर। तो आपकी देव सर के साथ क्लास थी आईसी आइडेंटिफिकेशन की, तो आपका कैसा लगा वो? बोर्ड देखने का नजरिया बदल गया सर। बोर्ड देखने का नजरिया बदल गया जी सर। और शाम की क्लास में आपने क्या किया? प्रैक्टिकल का किया सर। पूरा पेड टू पेड प्रैक्टिकल करा आपने? जी सर। आईसी के नीचे की पेड लाइन जी सर पूरी की पूरी बनाई आपने? जी सर। एक पावर आईसी को उठाया, निकाला, उसके अंदर पेड लाइन बनाई, और आपने आपके सेक्शन से लेके यहाँ तक क्या आपके पास फाइनल सॉल्यूशन है कि नहीं है? एंडलेस सर। एंडलेस सॉल्यूशन? यस सर। अब इसके बीच में अगर कुछ होगा तो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं है, एंड तक है आप? जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम चाहत चौधरी है सर। हाँ चाहत, बताइए। सर आज हम लोगों ने ना आईसी रिवॉल्व करना मतलब आईस पावर आईसी को रिवॉल्व करके लगाया वापस से। अगर आपको ट्रिक जाननी है तो आप एशिया टेलीकॉम में ही आके जान सकते, ऐसे यूट्यूब पे कोई भी नहीं बता पाएगा और बता भी नहीं सकता। सेम ट्रिक वो ना आप सीख सकते हो? ना आप सीख सकते हैं। जैसे स्विमिंग, स्विमिंग कर अगर हमको ऑनलाइन की बात करें अपन, तो अगर स्विमिंग का अगर 10 वीडियो बता दे और तुमको अगले दिन बोल दे 10 वीडियो बता के 10 दिन तक 10 वीडियो बता दे, और अगले दिन आपको ये बोल दे कि भैया 100 फीट पानी में कूद जा, तो कूद पाएंगे क्या? नहीं सर। लाइफ गार्ड नहीं होता सर हमारे साथ वहाँ खड़ा होता। बराबर। हमारे साथ लाइफ गार्ड खड़े हैं सर, तीन तीन चार चार हमारे, हमको सिखाने के लिए। बराबर। सबसे ज्यादा बड़े लाइफ गार्ड तो सर एमडी सर मत ये चीज़ें मत करा करो, ये चीज़ें नहीं। एशिया टेलीकॉम में टीम वर्क है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, है ना? यस सर। है ना, जो सर के सारे प्रोटोकॉल होते हैं सर के हिसाब से काम चलते हैं यहाँ पर, है ना? yes, सर ही मेरे को ट्रेन करे हैं और ट्रेन करके मेरे को यहाँ पे आपके सामने खड़ा कर रिप्रेजेंट किया है कि आप रिप्रेजेंट करो एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट को। तो चाहत ये बताओ मेरे को कि जो चाहत लेके आए थे एशिया टेलीकॉम, वो चाहते कहाँ तक पूरी हो रही है? पूरी पूरी हो रही है सर। मैं बोलूँ कि पैसा वसूल है? वसूल है सर। एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल है? यस सर। पैसा वसूल है? यस सर। एक एक का पैसा वसूल है? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम अरमान है और मैं महाराष्ट्र से आया। अरमान। यस सर। बताओ कैसा दिन रहा आज का? सर आज का बहुत ही अच्छा दिन था, मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम पावर आईसी मतलब चालू सेट से निकालना, अच्छा और उसको लगाना, मतलब हमारे लिए तो बड़ी बात थी। बड़ी बात जी, क्योंकि 4-5 साल से काम कर रहे थे लेकिन नॉर्मल काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद तीसरे दिन में ही पावर आईसी निकालना, फिर उसको प्रॉपर बैठाना, ये सर बहुत बड़ी। मतलब जब अरमान यहाँ से 23 तारीख को जाएगा तो मुंबई के थाने में जिसकी दुकान है अरमान की, उस पर तूफान आने वाला है? यस सर। आने वाला है तूफान पूरे एरिया में सर? पूरे एरिया में आएगा? यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम नौशाद है, प्रतापगढ़ यूपी से हूँ सर। हाँ सर, आज सुबह पहले आए जियो का फ़ोन, 320 मॉडल था मेरा, ऑन खुद लेके आए थे, उसको ऑन की ऑन था सर, उसको पहले पावर आईसी निकाले, रिवॉल्व मारा, लगाया, दो बार लगाया, दोनों बार डन, एक बार में, एक बार में डन, एक बार में। तरीका है आपके पास? यस सर। सलीका है आपके पास? यस। हैंड स्किल है आपके पास? यस।
सोचा नहीं था एक बार में कैसे टर्न हो गया, वहाँ तो कितनी बार करता था, कभी कभी स्टार्ट हो जाता था, उड़ जाती थी आईसी, ऐसा ऐसा होता था। अभी तो नहीं होगा, अब नहीं होगा सर, अब नहीं होगा ना। नहीं सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम भूपेन साहू है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। भूपेन साहू छत्तीसगढ़ से, इतनी दूर से एशिया टेलीकॉम जबलपुर। छत्तीसगढ़ में भी शायद कोई इंस्टीट्यूट है तुम्हारे? जी सर। तो वहाँ क्यों नहीं गया? नहीं सर, वहाँ सिर्फ आईसी निकालना बैठाना बताते हैं बस, आईसी निकालने बैठाने से थोड़ी ना होता है, जब हमको कंपोनेंट्स की नॉलेज ही नहीं है। तो हो क्या आया हो, कहीं हो क्या आया हो, कहीं हो क्या आया हो? जी तभी बोल रहा हूँ। अच्छा, कहीं हो क्या आया हो, वहीं पर छत्तीसगढ़ में इंस्टीट्यूट में हो क्या आया हो? तो तभी फिर मैं वीडियो देख के, देव सर का वीडियो वगैरह देखा, तो फिर यहाँ नॉलेज है, ऐसा करके मैं यहाँ आ गया। तो भूपेन ये बताओ मेरे को कि आज तीन दिन में क्या मिला तुम्हें? बहुत कुछ सर, जो मैं तीन महीने में सीखा था ना दूसरी जगह, मैं तीन दिन में सीख गया। तीन दिन में सीख गए जी? तो यहाँ तीन महीने बैठने की जरूरत है क्या? नहीं सर, नहीं है? नहीं सर, यहाँ तो अपन 20-21 दिन में अपन पूरा ट्रेन हो जाएंगे लग रहा है। 27 दिन की क्लासेज जारी करेंगे, बता दो आप। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी सर नमस्कार। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार फ्रॉम बिहार से हूँ। हाँ सर जी, आज हम 5A का 4G IC चालू सेट से निकाला, फिर उनको डाला और चार बार किया और सक्सेसफुल रहा है। जी कैसा लग रहा है सब करके आपको? बहुत ज़्यादा। इसके पहले सर्विस करवाते थे? जी नहीं कर पाते, इतनी आसानी से, इतनी सरलता से। जी इतना वैसे सर, YouTube को देख के भी जो जिंदा सेट था उसको मार देते, क्योंकि YouTube आपको अगर 6 बताता है तो 4, 5, 2 आपको आता नहीं है, सिर्फ 6 को लेकर हम लोग दौड़ने लग जाते हैं। बराबर। लेकिन आज ऐसा टेलीकॉम में हमारे डीपली नॉलेज बताया, पार्ट्स के बारे में बताया, और आज की जो क्लास हमारे देव सर के साथ रहे बहुत गजब करा की, और जीवन भर कहते हैं हम लोग, मुझे जो अनुभव हुआ कि मैं 50-55 हज़ार फी नहीं दिया, 55 करोड़ रुपया यहाँ से लेके जा रहा हूँ जीवन भर के लिए। तो हम अपने बच्चे तक को यह इतना बना के दे देंगे कि सर जीवन भर एशिया टेलीकॉम का हम उधार सर नहीं चुका पाएंगे, इतना एशिया टेलीकॉम और हमारे गुरुदेव देव सर ने दिए हमको, जैसे हमारे सर हैं, और हरेक सर, हरेक गुरुदेव अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। बराबर है। जी आप हमसे भी ज़्यादा तरक्की करो, यही हमारी कामना रहेगी आपके। ठीक है सर, सबको मेरा प्रणाम, और सभी भाई से मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और अपने लाइफ को अच्छे से अच्छे बेहतर बनाने के लिए चाहते हैं तो आइए हमारे एशिया टेलीकॉम, और हमारे एशिया टेलीकॉम में आके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। प्रणाम। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, आ जाओ भाई इधर आ जाओ, सब सब आ जाओ। तो बताइए भाई, थोड़ा अपना परिचय दीजिए, कहाँ से? मेरा नाम हेमंत रत्न है, मैं उड़ीसा से हूँ। तो सर आज का क्लास था हमारा, फर्स्ट आवर में था 4G IC को निकालना लगाना जिंदा सेट में। तो अपना पावर एक्सचेंज से लगाना हमको तो पहले नहीं आता था, लगाते थे तुक्के से लगाते थे, और ट्रिक मालूम नहीं था, होता तो होता, नहीं तो फेंक देते उसको। बराबर। तो आज हमको जो सर बताए हैं ट्रिक, तो उसमें सर वो सब हो जाता है सर अभी तुरंत ही। कितनी बार करा आज? आज सर 6-7 बार लगा चुका हूँ। 6-7 बार लगा। उसके बाद सर देव सर का कंपोनेंट क्लास हुआ, हमारा पावर आईसी को पहचानना किस तरह से, आईसी आइडेंटिफिकेशन, फेड लाइन भी कैसे चेक करना है, कहाँ तक कहाँ है, एंडलेस वगैरह सब, एंडलेस था सब। कैसी ओवरऑल सर की क्लास कैसी लगी? बहुत एनर्जेटिक और बहुत अच्छा था सर। एनर्जेटिक थी, बहुत अच्छी भी थी। आपको सारी एनालिसिस टेबल्स बनाई, PCB देखने का नजरिया बदला सर? बदल पूरा ही, अभी देखते से ही जानी पहचानी लगती है PCB। हाँ सर, पहले कंपोनेंट, इसके बाद सब आईसी ऊपर टारगेट कर दिया। देखो हमारे पास सब सीरियल वाइज काम होता है। सबसे पहले क्या पढ़ा है आपको? आपके मोबाइल की PCB में होता ही क्या कंपोनेंट और आईसी के अलावा क्या है, बताओ मेरे को। हेलो, कुछ है क्या कंपोनेंट और आईसी के अलावा? सबसे पहले टारगेट किसको बनाया अपन ने? कंपोनेंट को टारगेट बनाया है ना, और कंपोनेंट के बाद टारगेट किसको बनाया? आईसी को। तो आईसी पे टारगेट सही लगा कि नहीं लगा? सही लगा। CPU देख के सब बता सकते हो कौन सी आईसी 70%, 80% आपकी? सब बता सकते हो? CPU देख के हम बता सकते हैं उसमें कौन सा पावर आईसी लगा है, कौन सा PMI। दुनिया की कोई भी पावर आईसी आपके हाथ में दे दूं मैं, लगा देंगे सर। आईसी तो लगा दोगे? मैं दुनिया की कोई सी भी पावर आईसी दे दूं, उसकी पेडलाइन बना पाओगे? बना लोगे? काउंटिंग का आइडिया है आपको? यस सर। कौन सी बात छोड़ना है, कौन सी काउंटिंग करना है? हाँ सर। शुरू से एंड तक? हाँ सर। विद डायग्राम के? यस सर। हम खुद डायग्राम बनाए सर, आज जो सर ट्रिक बताए उससे देख के हम बनाए खुद। आने वाले टाइम में आप बोर्नियो बनाओगे? क्या बनाओगे? बोर्नियो।
वो नहीं बनाओगे क्योंकि तुमको लाइनों का नॉलेज होगा कौन सा पेट कहाँ जा रहा है। तो टोटल आज की क्लास के बारे में क्या ओवरऑल एक शब्द में पूछो। ओवरऑल अच्छा था सर, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। और मैं बोलना चाहता हूँ जो देख रहे हैं यूट्यूब में या फिर फेसबुक लाइव देख रहे हैं, मैं बोलता हूँ आ जाइए आप डायरेक्ट। वैसे तो आज मेरा लाइव में था, खुद बनाया था मैं MI Y2 का लगाया था पावर AC, खुद निकाला और लगाया, लाइव में ही है वो। तो सर बहुत अच्छा लगा, आप जो देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक में आ जाइए, बिना सोचे समझे आ जाइए एक बार। मैं गारंटी कौन देगा? मैं खुद दूंगा सर। तुम खुद दोगे? मेरा नंबर भी दे दूंगा, जो भी चाहिए ले लेना। मैं नंबर लिख देता हूँ, देओ देओ नंबर देओ। 9668508796 मेरा नंबर है, जिसको अगर डाउट है मेरे खुद से संपर्क करें, मैं खुद पैसा रिटर्न कर दूंगा अगर उसको अच्छा नहीं लगा। वेरी गुड, एक ही दिन में उनको अच्छा लगेगा। काउंसलिंग क्लास होगा, जैसे आते हैं स्टूडेंट उनका काउंसलिंग क्लास होता है, उसी दिन आपको पता चल जाएगी क्या है क्या नहीं, एक दिन में उनको पता चल जाएगा। बराबर, चलिए थैंक यू वेरी मच। चलिए आइए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट है, बहुत दूर से आए हैं। मेरा नाम अर्शदीप है। अर्शदीप, मैं अपने लोकल एरिया में काफी जगह गया था, देखा था, सीखा था, पर जो यहाँ पे आके सीख मिल रही है ये चीजें मैं पता भी नहीं थी कि होती भी हैं। और सुबह मैंने पहली बार अपना पावर AC निकाला लाइव बोर्ड से, उसके बाद फिर मैंने 2-3 बार उस पर प्रैक्टिस की, हर बार एक ही बार में हो गया। उसके बाद फिर मैंने 5A सेट था मेरे पास, एक चलता सेट था, फिर उसमें से पावर निकाली, लगाई, वो भी चल पड़ी। मतलब कि जो जो ट्रिक्स यहाँ पे आगे पता चली है वो पहले नहीं पता थी। बराबर, ये चीज़। तो क्लास सर की कैसी लगी आपको, जो कॉपी कट कंटेंट था, जो हम जो सोचते हैं वो पहले हमें दिखा देते हैं कि हम सोचते हैं कि ये होगा कल, ये होगा ऐसे है वैसे, वो पहले हमें सारे हमारे कंसेप्ट पहले क्लियर कर देते हैं, पहले क्लियर कर देते हैं। तो कुछ पूछने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं। चलिए, इधर भी मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हैं, थोड़ा अपना नाम बताइए। चंदन सोनी, छत्तीसगढ़। चंदन, कैसी लगी क्लास आज आपको? आज बहुत अच्छा क्लास था। तो लाइव पावर निकाल के लगाया कि नहीं लगाया आपने? लगाया सर। और IC की पेड लाइन बनेगी नहीं बने? नहीं सर। IC की पेड लाइन। और देव सर के साथ जो आपकी क्लास थी, कैसी क्लास थी? बहुत अच्छी थी। आज आपका पहला दिन था, आज आप 2 दिन लेट आए हो, आपको क्लास कैसी लगी? कैसी लगी क्लास आपको? बहुत ज्यादा अच्छा। और आपका भी पहला दिन था आज, तो आपको ये बताइए मेरे को, आपने बीच रास्ते में से क्लास जाई करी तो आपको कैसा लगा, आज की क्लास कैसी लगी? और आपने आज IC कितनी बार निकाल के लगाई? 4 बार सर। और पेड लाइन बनी आपने? जी सर। तो एंडेस जानकारी मिली आपको? यस सर। सर की क्लास कैसी लगी, देव सर की? बहुत अच्छी लगी सर। चलिए, थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी सर। तो क्या है एशिया टेलीकॉम? एशिया टेलीकॉम का सच क्या है? नॉलेज का पूरा भंडार है यार एशिया टेलीकॉम। आप जैसे सोच क्या है ना कि मतलब रियल में टेक्नीशियन इन लेस सॉल्यूशन तक के मतलब मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहता हूँ परफेक्ट, तो एशिया टेलीकॉम भी दे सकता है। थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ा नाम बताइए अपना। सर मैं रंजीत हूँ। कहाँ से? नेपाल से सर। आपका नाम? सर मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी है। अच्छा, फ्रॉम नेपाल। जी सर। जी आपका नाम? अरविंद सर, वेस्ट बंगाल से। अरविंद, वेस्ट बंगाल। अरविंद, आज की क्लास के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूँगा आपसे। सर मैं बोलूँगा हम लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे बल्कि इन्वेंशन, हर डे एक मैंने क्या बोलते मिस्ट्री रहता, आज क्या सीखने मिलेगा, बस ये सोच के हर दिन सुबह सुबह जगते हैं कि आज क्या सीखने मिलेगा, और हर दिन इंटरेस्टिंग चीज, मैंने क्या बोलूँ सर, मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा हूँ। एक PCB बोर्ड में इतने सारे कंपोनेंट है ना सर, देखने के बाद माथा सिर कंफ्यूज हो जाता है क्या है क्या नहीं है। और 6-7 घंटे की क्लास में देव सर ने, आदरणीय देव सर जी ने इतने इजी ट्रिक्स से सब चीज़ों को मतलब हमें दिखाया सर कि हम सर बोलें अगर पूरा महीना साल भर भी लगा देना सर, फिर भी हम पूरे पार्ट्स की एक एक कंपोनेंट्स का नॉलेज हम नहीं परफेक्टली कर सकते, लेकिन सर देव सर पता नहीं देव सर में ऐसा क्या मैजिक है आई डोंट नो, लेकिन वो सर इतने इजी तरीके से बता दिए ना सर, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि मैं। देखो तुम दिल से लेने आए हो, तुम इस फील्ड के हो, दिल से लेने आए हो और तुमको चीज़ें मिल रही तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको। और एक स्पेशल चीज़ सर, आपने नोटिस किया होगा कि देव सर क्लास में मैं चेयर में बैठने की जगह स्टैंड अप हो जाता हूँ। अच्छा, इसका हाँ इसका रीज़न ये है कि सर 6-7 घंटे की क्लास में इंसान का नींद आना यह जायज़ है, तो मैं देव सर क्लास मिस ना करूँ इसके लिए सर मैं स्टैंड अप हो जाता ताकि नींद ना लगे और प्यास भी ना लगे, इसके लिए मैं उनका 1 सेकंड का भी क्लास मिस नहीं करना चाहता हूँ। और इनका क्लास मिस करना मतलब
अपने मैंने अपने अपना जो एम है जी जी उसके साथ फ्रॉड करना है सर, इसलिए मैं एक सेकंड का भी उनका क्लास मिस करना मतलब खुद को क्या खुद को ही ठगना मैं समझता हूँ सर। चलिए ठीक है, क्लैपिंग कर दो भाई इनके लिए एक बार यार। सैल्यूट, देखो जो नरेश लेने आया उसके लिए सैल्यूट है मेरा, और तुम्हारे को सैल्यूट करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि एशिया टेलीकॉम तुमको नॉलेज के लिए पूरी तुम्हारी झोली भर के पहुंचाएगा। यस सर, किसी चीज की कमी नहीं रखेगा। और देव सर और यहाँ के जितने भी टीम है उनका तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि वो अपने नॉलेज का 1% भी नहीं चाहते, 1% क्या पूरा झोली भर के देने के लिए तैयार है, कुछ भी हिडन अपने पास नहीं रख। स्टूडेंट में अब कैपेसिटी ये है कि वो कितना ले पाते हैं, इसके लिए मैं पूरे एशिया टेलीकॉम को तहे दिल से मैनी मैनी थैंक्स बोलना चाहूंगा सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकालना हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?